कोरोना के बढ़ते संकट की वजह से देश में लॉकडाउन किया गया था। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मंदिरों में हलचल बढ़ी है। 6 जुलाई को सावन के पहले सोमवार को आमतौर पर शिव मंदिर के बाहर भगवान के शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से माहौल वैसा नहीं रहा। फिर भी गोरखनाथ मंदिर, मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव को मनाने के लिए भक्त मंदिर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शिव की आराधना की, लेकिन मंदिर के भीतर जाने के लिए किसी भी भक्त को इजाजत नहीं मिली। इस संबंध में मानसरोवर मंदिर के पुजारी ने बताया। श्रद्धालु तो आते हैं, प्राचीन है, लेकिन रोक लगाने के कारण और जितने लोगों को मना किया गया उस अनुसार यहाँ भीड़ नहीं हो रही है। लेकिन कुछ श्रद्धालु है जो मान नहीं रहे हैं, आके बाहर से दर्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, उसके लिए व्यवस्था किया गया है कि आप लोग दूरी बना के अपना अभिषेक कर लें। पंडित संजय कुमार तिवारी, गोराना संजय विद्यापीठ के मैं छात्र रह चुका हूँ। देखिए, आज पूरे विश्व में जो कोरोना का महामारी चल रहा है उसको देख करके जो हमारे अग्रिम पूजनीय मुखिया योगी जी हैं उनके दिशा निर्देश में ये दूरी बना करके ये कार्यक्रम हो रहा है। और भगवान से हम यही हम ब्राह्मण देता हूँ विप्र यही प्रार्थना करते हैं, सारी जनता यही प्रार्थना करती है कि भगवान शिव शंकर के नाम में आशुतोष नीलखंड जो जगत के कल्याण के लिए विस्पान भी कर लिए, उसी तरह से हम लोग शंकर जी से यही प्रार्थना करते हैं। पूरी भारत देश की जनता, जनमानस, सारे नर नारी यही प्रार्थना करें कि हे भोले शिव, इस कोरोना महामारी को आप ही हरण कर सकते हैं, आप ही इस दुख को निवारण कर सकते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश के सभी नर नारी एक तन मन धन से जिस तरह से हो रहा है उस तरह से भगवान शिव की आराधना चाहे दिवाली में हो या अपने घरों में कर रहे हैं। लोग कुछ ब्राह्मण देवता अपने घर में ही जगत के कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ, अन्यत्र जो भी हैं अवध श्री कवच है, बजरंग बाण है, जिनके पास जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जगत के कल्याण के लिए अपना योगदान कर रहे हैं।